बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त, जिसके लिए आधा किलो मटन, आधा किलो आलू, 3 अदद बड़ी प्याज, 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3-4 हरी मिर्चें, आधी प्याली दही, जो मसाले ऐड करने हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, हसबे जायका नमक, जीरा, सूखा धनिया 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी और साबुत गरम मसाला। सबसे पहले एक प्याली ऑयल डालेंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। प्याज को दही के साथ ऐड करके ग्राइंड कर लिया। अब गोश्त ऐड करेंगे और 5 मिनट इसकी फ्राई करेंगे। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 5 मिनट फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके बाद गरम मसाला, 2 बड़ी इलायचियां, 1 दालचीनी, कुछ काली मिर्चों के दाने और 2 सबुत इलायचियां। अब टमाटर ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लाल मिर्च, काली मिर्च, हसबे जायका नमक, सूखा धनिया और जीरा और हल्दी। प्याज ऐड करेंगे जो मैंने ग्राइंड किए हैं। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब गोश्त चेक करेंगे। गोश्त की अच्छी तरह दोबारा भुनाई करेंगे। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। और 5 मिनट आलूओं की भी भुनाई करेंगे, उसके बाद पानी ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। अब गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको डिश आउट करेंगे।